अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैपेचिनो रेसिपी। कैपेचिनो को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ये विदाउट कॉफ़ी मशीन बन जाती है। इंग्रेडिएंट्स विथ मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने लिया है एक छोटा सा मिक्सिंग बोल, 3 टेबल स्पून के करीब वार्म वाटर, 2 टेबलस्पून शुगर विद 2 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, 1/2 कप मिल्क लिया है। ये 80% डार्क चॉकलेट है, इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। और हमें चाहिए एक इलेक्ट्रिक विस्कर। मिक्सिंग बोल में मैं डाल रही हूँ वार्म वाटर, शुगर एंड कॉफ़ी। अब इलेक्ट्रिक विस्कर की मदद से मैं इसे तब तक विस्क करूंगी तब तक कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए और इसमें स्टिफ पीक्स आना स्टार्ट हो जाए। इनिशियली आपको स्पीड थोड़ी सी कम रखनी है और ग्रेजुअली आप स्पीड को बढ़ा लें। इसके लिए आपको लग सकते हैं 4 to 5 मिनट्स। अब आप देख सकते हैं इसमें स्टिफ पीक्स फॉर्म हो चुके हैं। तो हमारी ये कॉफ़ी क्रीम बनके तैयार है। अगर आपकी ये कॉफ़ी क्रीम बच जाए तो आप इसे किसी भी फूड ग्रेड प्लास्टिक बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख लें और उसे 4 से 5 दिन तक यूज़ कर लें। अब हम यहाँ पर दूध को गर्म करेंगे, तो मैं यहाँ पर 1 मिनट 30 सेकेंड्स के लिए 1/2 कप मिल्क गर्म कर रही हूँ। आप इसे गैस पर भी कर सकते हैं। अब बारी आती है सभी चीज़ों को असेंबल करने की और हमारा कैपेचिनो रेडी करने की। तो आप कोई भी अपना डिज़ायर्ड कप या मग ले लें जिसमें आपको कैपेचिनो बनाना है। तो मैंने यहाँ पर कप ली है और उसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब कॉफ़ी क्रीम जो हमने बनाई है, और उसमें मैं पोर करूँगी हॉट मिल्क। अब उसके बाद उस पर आप 1 टीस्पून के करीब और कॉफ़ी क्रीम डालें और उसे जेंटली स्पून की टिप की मदद से मिक्स कर दें, या तो आप इसे स्क्यूअर की मदद से भी स्वर्ल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वुडन स्क्यूअर का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे थोड़ा सा डार्क चॉकलेट से गार्निश कर रही हूँ। मुझे डार्क चॉकलेट पसंद है इसलिए मैंने इसे उसे टॉप किया है। अगर आपको डार्क चॉकलेट नहीं डालना है तो मत डालिए। इसे मैं थोड़ा सा और स्वर्ल कर रही हूँ। हमारी कैपेचिनो रेडी है। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये कैपेचिनो बन जाती है विदाउट कॉफ़ी मशीन। तो आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसमें मैंने जो डार्क चॉकलेट डाला है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिए, आप ऐसे ही उसे प्लेन भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।